बढ़िया मैम, आप बताओ आप कैसे हो? आई एम गुड टू, और आज मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। ओह यस मैम, आज तो वैसे भी शेड्यूल बहुत टाइट है। एग्जैक्टली, आज बस पूरा टाइम बैठ के इंटरव्यू लेने। मैम इंटरव्यू के साथ साथ कुछ नमूनों से मिलना होगा आज। और वैसे भी मैम बॉस के चिक चिक से पक गए हैं। लेट्स गो टू द केबिन। अरे भाई तुम भी इंटरव्यू के लाइन में हो क्या? अबे पहले कौन सी नौकरी लगी थी जो अब लग जाएंगी? सारे बेरोजगार थे, बेरोजगार ही रहेंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट। मैम मैं कमिंग। What? मैम कुछ नहीं। Sit. मैम इंटरव्यू कौन लेगा? What do you mean? मैम just kidding. मैम good morning. Good morning. मिस्टर रक्षत, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो बहुत अलग है। मैडम जी एक पेज की बातों में क्या रखा है, बार पूछो मेरे बारे में, लोग 10 पेज की बातें बताएंगे। मुन्ना हलवाई का बेटा हूँ, वह चर्चे है रामनगर में मेरे। ओ हेलो मिस्टर, आप यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हो, कोई ऑडिशन देने नहीं आए? मैम ये क्या है? अब मैंने तुम्हारे साथ मजाक कर दिया, यू आर रिजेक्टेड। अब निकलो यहाँ से। चलो ये भी सही है, पापा को तो मैं लड्डू बनाऊंगा। हंस तो ऐसे रहा था जैसे इंटरव्यू देने नहीं कॉमेडी सर्कस में ऑडिशन देने आया हूँ। लास्ट एक्सपीरियंस तो इसकी चाय की दुकान का है, और जॉब चाहिए से एसी वाली, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है गवार। नेक्स्ट प्लीज। ओ वाओ, ये देखने में बहुत सिंसियर लग रहा है, और ये हमारी जॉब के लिए परफेक्ट होगा। चलो देखते हैं। सिट डाउन। गुड मॉर्निंग मैम, ये मेरा रिज्यूम है। बट ये तो एक बुक है। नहीं मैम, ये मेरा रिज्यूम ही है। तुम्हारा नाम? तने के मानी। लास्ट कंपनी? मैनेजर। और सैलरी? 20K। मैं कुछ पूछ लूं? ये सारा तुम ही बताओगे। टेंथ तुमने 2009 में पास करी थी और 12th 2010 में, कैसे? मैम मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, तो मेरी मैम ने बोला कि तुम 11th छोड़ो, डायरेक्ट 12th करो। ओके। ये 6 मंथ का कोर्स बॉडी लैंग्वेज ये क्या है? मैम इस कोर्स में क्या होता है कि इस कोर्स में हमारी जो बॉडी है वो सामने वाले से बात करती है। ओके। ये 6 महीने का कोर्स ब्यूटी पार्लर का ये क्यों करा है? मैम मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स भी किया है, तो सॉफ्टवेयर को कैसे सजाना है ये मैंने ब्यूटी पार्लर से आइडिया लिया। ओके। ये साइन लैंग्वेज का 1 ईयर का कोर्स अब ये क्यों करा है? ओ ये मैम, अरे ये तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं जब भी मौन व्रत रखता हूँ ना, तो घर वालों से बात करने के लिए मैंने ये वाला कोर्स किया है। मैं पागल हूँ जो यहाँ पर आई जॉब के लिए। मैम वो पागल नहीं, चोर होता है। मैं बताऊँ अभी, गेट लॉस्ट। नेक्स्ट।
सर तो आपका नाम एक सेकंड। हाँ भाई चाचा विधायक है, पूरी बातचीत हो रखी है, चिंता मत लें। हाँ जी मैम बताइए। और सर एक सेकंड। हाँ हाँ भाई इलेक्शन की जीत पक्की है, तू जहाँ पार्टी बोले वहाँ दूंगा। तो मैं क्या पूछ रही थी? एक सेकंड। अरे तेरे भाई की कोटा में फुल चलती है, तू जहाँ बोलेगा वहां से उठवा लेंगे, चिंता मत कर। हाँ जी मैम अब बताइए। ये बंदा चाहे जैसा भी हो काम तो बहुत आएगा, पर इसका रिज्यूम एकदम टट्टी। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ जी सर तो आप सैलरी कितनी लेंगे? अरे मैडम जी आप बताओ ना आप कितनी सैलरी दोगे? चाचा विधायक है और बाप खलनायक है। अच्छा सर तो आपने फिर अप्लाई क्यों किया? अब इसको कौन बताए घर वालों का कितना डंडा है मुझ पे, साला 10वीं बार भी पापा चाचा की अप्रोच से हुई है। कुछ कहा सर आपने? नहीं मैडम जी मैं कह रहा था मैं घर पे बोर हो जाता हूँ तो सोचा कुछ जॉब ही कर लूं। सर यू आर सिलेक्टेड, कांग्रेचुलेशन। ये तो ठीक है मैडम जी, पर आप बोलो तो आपको अगर ऑडिशन छोड़ दूं? नो इट्स ओके मिस्टर शरद। ओके मैडम जी सी यू सून। ऑफिस के बिजली पानी के बिल यही माफ कराएगा। आज का तो दिन ही खराब है, पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी, पक्का वो सामने वाला साला टकला ही होगा। और यार ये इंटरव्यू के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं किसी लौंडिया का वेट करने आया हूँ। आज इंटरव्यू में आर होगा या पार होगा? क्या नाम है आपका? नाम तो पढ़ी लिया होगा, रिज्यूम में दिया तो था, मेल चेक नहीं किया? ओ यार ये कैसे चिमकांडा सा है और इसके बाल कैसे घोंसले जैसे हैं। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? बोला ना रिज्यूम दिया था, पढ़ना नहीं आता, अनपढ़। तुम्हें तमीज नहीं बात करने की, बदतमीज इंसान। ओए सुन अगर तमीज होती तो यहाँ आता इस घटिया कंपनी में इंटरव्यू देने? पहली बार आए हो क्या इंटरव्यू देने? जब ये सब पूछना ही होता है तो रिज्यूम लेते क्यों हो तुम लोग? पता नहीं किस किस को बैठा लेते हैं इंटरव्यू देने, मोटी भैंस। यू गवार टट्टी इंसान, निकले यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, तू लेगी मेरा इंटरव्यू? कैसा दिन है यार आज मेरा, ये केकड़ा मुझे मोटी बोल गया, लगता है कल से जिम जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट। अरे यार यहाँ पे कोई अगला बंदा है या हमें झक मारने के लिए बैठी हूँ? पलट। मैम मैं हूँ ना। आओ आओ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मैम बैठ रहा था। यहाँ नहीं यहाँ बैठो। नहीं नहीं मैम यहाँ सही है। अरे आप इंटरव्यू देने आए हो यहाँ बैठो। नहीं नहीं मैम यहाँ सही है। अरे यहाँ नहीं यहाँ बैठो, आप इंटरव्यू देने आए हो। चलो आप बोलते हो तो बैठ ही जाता हूँ। यार पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं इंटरव्यू देने। पलट। रामू एक गिलास पानी लिया ना। मैडम जी आपके लिए पानी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम तो इंटरव्यू देने आए हो ना। खैर छोड़ो अपना लास्ट एक्सपीरियंस बताओ। मैं क्या बताऊं मैडम जी, मैं तो पिछली कंपनी में बॉस का राइट हैंड था। पलट। अरे वाह राइट हैंड, अब तो मैं सारा काम इसी से करवाऊंगी और फिर खुद चैटिंग करूंगी। तो आपको तो बहुत एक्सपीरियंस होगा ना काम का? यस मैम। अरे यार बहुत तेज भूख लग रही है, पहले इंटरव्यू ले लेती फिर कुछ खा लूंगी। पलट। मैडम जी आपके लिए मैगी, बोलो तो बना लाऊं? इट्स ओके कोई नहीं।
तो लास्ट कंपनी में आपकी सैलरी उठाइए ना। हेलो, या वो पैकेज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ओके, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं बहुत ज़रूरी इंटरव्यू ले रही थी। ओके ये कहाँ गया? हेलो मैडम, आप ये बता दो कि डिलीवरी किस नाम से ले? वहाँ क्या कर रहे हो तुम, तो इंटरव्यू दे रहे थे ना। मैम आप बताओ तो सही, आपका राइट हैंड बनूंगा कैसे? सुनो, मुझे नहीं बनाना तुम अपना राइट हैंड, और आज के बाद इस ऑफिस में आ मत जाना। पर मैडम इन्हें क्या हो गया, अब मैं राइट हैंड किसका बनूंगा? ए तुम मेरा राइट हैंड बनेगा क्या? ए पागल है क्या यार, मैं पागल हो जाऊंगी। नेक्स्ट। जो भी चलेगी मैम। क्या गार्ड की जॉब पर तुम लोग 12th पास हो, पर रिज्यूम में तो तुमने टेलीकॉलिंग के लिए अप्लाई किया है। हाँ हाँ मैम, मैं उसी के लिए आया हूँ। ओके टेल मी, कहाँ से हो तुम? पहले राइट फिर लेफ्ट फिर गोल चक्कर से सीधा फिर राइट फिर लेफ्ट, बस मैम सामने ही है। ओ पागल, कहाँ रहते हो ये पूछा है, कहाँ जाना है ये नहीं। ओ सॉरी मैम, आई फ्रॉम दिल्ली। सॉरी मिस्टर तुषार, यू आर रिजेक्टेड एंड बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। ओके मैम, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा और मैं अपना डर दूर भगा के आऊँगा। अरे आप कौन? आओ ना अंदर। क्या बोलता है जाने, सुने चुरा लेगा माने। अरे इसे छोड़ो, अपने बारे में बताओ कुछ। अपना सब बढ़िया, आप बताओ ना अपने बारे में। अच्छा तो ये बताओ तुम्हें पोजीशन कौन कौन सी पसंद है? क्या? अरे मतलब लास्ट कंपनी में तुम कौन सी पोजीशन पे थे? मुझे ऊपर वाली पोजीशन में बजा। इसका मतलब? मेरा मतलब मुझे टीम लीडर बनने में ज्यादा मजा आता है, वो सबसे ऊपर होता है ना। वैसे यार ये इंटरव्यू कब खत्म होगा? क्यों कहीं जाना है क्या? हाँ एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ डेट पर जाना है। ओह अच्छा, तो उस लड़की को पता है कि आज वो डेट पर जा रही है? हाँ लग तो रहा है उसकी स्माइल से। तो चले। You are selected. वाओ, सीवी तो बहुत अच्छी है आपकी, फोटो भी अपडेटेड लगा रखी है। अच्छा और बताओ अपने पास्ट के बारे में। अरे इसे क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें, रो क्यों रहे हो? मैडम सनी गुजार गया था, वहां पे गोलगप्पे वाला दिख गया, पीछे ही पड़ गई, गोलगप्पे खाने तो कैसे खिलाऊं मैं, जेब में तो पैसे ही नहीं थे, बस छोड़ के भाग गई। मैडम बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। अरे यार क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी जॉब के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा
यार पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं इंटरव्यू देने। मैम मैंने कभी कहीं जॉब नहीं की है पर मैं। ओह तो आपका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। और ये रोना धोना ना आप अपने घर पे करो। मैं गरीब हूँ, मैं पैदा ही गरीब हुआ, मेरे दादा भी गरीब, मेरे परदादा गरीब, मेरे खानदान गरीब, गरीब गरीब गरीब, मैं भी गरीब। सो मैं क्या करूँ उसमें? मैम आप इंडियन आइडल नहीं देखते? नहीं। अच्छा मैम प्लीज मुझे किसी हालत में जॉब चाहिए, वरना मैं अपना बदला कैसे ले पाऊंगा? फिर मुझे भी तो अपना स्टेटस लगाना है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम कैसे देखेगी। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैम मैं जा रहा हूँ। अरे हाँ जाओ ना। मैम मैं सच में जा रहा हूँ। जा रहे हो या फिर मैं गार्ड को बुलाऊं? अरे यार ये ऑफिस है ये पागल खाना। हे भगवान कोई तो अच्छा भेज दो वरना मैं रिजाइन दे दूंगी। कैसा सा बंदा है यार ये। चलो कुछ और पूछती हूँ इससे। दो। क्या दो मैडम? रिज्यूम और क्या? लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी वैसे? मुझे पता नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरा वेट कर रही है। अच्छा सैलरी कितनी लेते हो? मैडम आज तक लिया तो नहीं बस दिया है। क्या? लोन। क्या क्या? लोन। अरे मैडम लोन दिया है मैंने बोतों को। ओके एक्सपीरियंस तो तुम्हें काफी होगा वैसे। हाँ मैडम एक मौका देकर तो देखो। अच्छा मैडम इतने प्यार से क्या लिख रही हो ऐसी बता दो। अच्छा वैसे मैडम फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम ही रख लो। हाँ रखूंगी, बनेगा क्या मेरा नौकर? चल निकल यहाँ से। हाँ मैडम मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ, अब एक बार हुक्म तो करो। Hey everyone, this is Side Rockies. I'm the founder and CEO of Celebrity Phase India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Phase के back to back new web series आ रही है, school के best days आ चुका है, father and son की story आ रही है, मेरी एक already running है, 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू। Look at your eyes, look at your lips, oh my God, come and see.